यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का बिगुल बज गया है। उपचुनाव और निकाय चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव एक भी मौका नहीं चूक रहे चुनावी माहौल को अपने पाले में करने का। अखिलेश यादव का पूरा फोकस पिता मुलायम सिंह यादव के दिए गुरुमंत्र MY समीकरण पर है। वहीं अखिलेश दलितों के पाले में जाकर भी बैटिंग कर लेते हैं। MY समीकरण को साधने की गवाही ये ताजा तस्वीरें देती हैं। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी हर साल इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका संदेश BJP के MY समीकरण के लिए था। अखिलेश यादव के लिए BJP का नया चुनावी प्लान बीते दिनों में एक नया चैलेंज बना हुआ है। BJP की चुनौती के सामने अब सपा प्रमुख ने मोर्चा संभाल लिया है। PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ यानी MY समीकरण को मजबूत करने के लिए UP में BJP मुसलमानों पर फोकस कर रही है। पार्टी यहां पसमांदा सम्मेलन समेत कई और रणनीतियों पर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव और निकाय चुनाव के ऐलान के बीच अखिलेश यादव रविवार को इफ्तार पार्टी में दिखाई दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों ही सपा ने अपनी फौज भी बदली है। इसकी लिस्ट को गौर से देखा जाए तो ज्यादातर एक जाति वर्ग के लोगों को पदाधिकारी बनाने में वरीयता दी गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मौसम में खेले जा रहे इस राजनीतिक मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा।